नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। प्रदेश में किसानों की हालत काफी दयनीय है। सरकार किसानों की उम्मीद पर खरी नहीं उतरी। मंदसौर में किसानों की समस्या के बदले शिवराज सरकार ने उनके सीने पर गोली चलाई। घटना में मारे गए किसानों की बरसी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मनाएगी। कार्यक्रम में राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ समेत कई बड़े नेता शामिल होकर किसानों को श्रद्धांजलि देंगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष बाला बच्चन ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए बातें कही। उन्होंने दावा किया कि सरकार के खिलाफ किसानों के साथ सभी वर्ग एकजुट हो रहे हैं। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है और बलात्कार के मामले में प्रदेश अव्वल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता जो है, पिछले तीन चुनाव में जो वादे किए गए हैं और जम के उन वादों के जो खिलाफी की है सरकार ने, और लोकसभा के चुनाव में भी जो वादा खिलाफी की है, तो मध्य प्रदेश की जनता पर इस पर तगड़ा असर और फर्क पड़ा है। और जनता अब इस बात के इंतजार में है कि जितना हमको, हमारे साथ जो वादा खिलाफी की है और जितना हमें सरकार ने सताया है, चाहे वो हम किसानों की बात कर लें, विद्यार्थियों की बात कर लें, बेरोजगारों की बात कर लें, मजदूरों की हम बात कर लें, महिलाओं की हम बात कर लें, कर्मचारियों की बात कर लें, तो सभी में ज़बरदस्त सरकार के खिलाफ असंतोष है कि किसानों को फसलों का बीमा नहीं मिल रहा है, फसलों का दाम नहीं मिल रहा है, बिजली महंगी मिल रही है और उसके बाद उनका कर्जा माफ़ नहीं हो रहा है, इसलिए आत्महत्याओं का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। यही मांग की थी किसानों ने और उस मांग के बदले में सरकार ने छाती में जो गोली मारी है उसका बदला लेने का समय आ गया है। और ये जो बरसी आ रही है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाखों की संख्या में किसान आदरणीय कमलनाथ जी के और कांग्रेस के नेतृत्व में इकट्ठे होने वाले हैं और हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सभा ने। उज्जैन से सुदर्शन सोनी की रिपोर्ट, न्यूज़ आज। फिलहाल के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ आज।